नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार, आज हम लोग सामान्य विज्ञान विषय के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक एक तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहेगा और हमारे दैनिक क्रियाकलाप में जितने भी हम लोग क्रियाएं करते हैं, जितनी एक्टिविटी करते हैं, जितनी गतिविधियां करते हैं, उन गतिविधियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉमन सेंस के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र समन्वय और नियंत्रण, यानी नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो गाइस शुरू करते हैं और ध्यान रहे यह क्लास UPSI रैंकर बैच के लिए है और आपको ध्यान देना, भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी या होने वाली हैं, ये क्लास उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर है। और दोस्तों संस्थान में UPSI रैंकर बैच प्रारंभ है। रैंकर बैच का मतलब यह है कि यह बैच आपको सफलता दिलवाएगा। सफलता दिलवाने के साथ साथ ही यह आपको टॉपर्स की श्रेणी में लगे खड़ा करेगा, यानी जो रैंक होगी अच्छी रैंक, जैसे आपकी कितनी रैंक 10 है, 20 है, 5 है, यानी ऐसे आपको रैंक मिलेगा इस बैच के द्वारा। यानी आप समझ सकते हैं अगर इसका नाम रैंकर बैच रखा गया है तो इसमें कितनी मेहनत से आपको हम लोग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों रवि सर, आलोक सर और संदीप सर के कुशल निर्देशन में बैच प्रारंभ है UPSI का। स्क्रॉल हो रहे नंबर पर भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या एडमिशन की प्रक्रिया अभी भी चालू है। 7 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहेगी। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद UPSI से संबंधित एडमिशन प्रोसेस या जो भी जानकारी आपको लेनी है आप विजिट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। काउंसलिंग टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद शीघ्र आपको जानकारियां दे दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा दो चीजें। एक चीज दोस्तों कोऑर्डिनेशन क्या होता है और दूसरा कंट्रोल क्या होता है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो पहले यहां टॉपिक का नाम लिख दें हम। टॉपिक आज का आपका रहेगा नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। अच्छा, हम लोग सुबह से शाम तक जब उठते हैं, सुबह सो करके और शाम तक जब तक सोते हैं और सोने के बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं, क्रियाकलाप करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं। और इन सारी गतिविधियों में जो हमारे अंग हैं और अंग तंत्र हैं, यह आपस में मिल करके सब गतिविधियों को संपन्न करते हैं। और इन अंग तंत्रों का और अंगों का सभी क्रियाकलापों में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं तो यह कहूंगा कि अजब का तालमेल होता है अंगों और अंग तंत्रों के बीच में सभी क्रियाकलापों को करने के लिए। समझिएगा, जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं, तो हमारी निगाहें सामने की ओर होती हैं कि सामने कौन सा वाहन आ रहा है या सामने कौन सा अवरोध है। हमारे कान पीछे की ध्वनि को सुनते रहते हैं, आंखें सामने देख रही हैं, कान पीछे की ध्वनि को सुन रहा है पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है, और हमारे हाथ सीधे हैंडल पकड़े हुए हैं, हैंडल में हमारे हाथों में ब्रेक है और हमारे पैर पैडल मार रहे हैं। सोचिए, यानी साइकिल चलाने में कितने अंग आपस में कार्य कर रहे हैं, आंख, कान, हाथ और पैर। पैर से हम पैडल मार रहे हैं और हाथ से हैंडल पकड़े हुए हैं ताकि हम उस साइकिल को वांछित दिशा में मोड़ सके या ब्रेक लगा सके आवश्यकता पड़ने पर। तो देखिए कितने अंग मिलकर के आपस में कार्य कर रहे हैं। जब ये अंग मिलकर के आपस में कार्य करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे जब भी हम लोग भाई भूखे रहते हैं तो जब खाना हमको मिलता है तो सबसे पहले उस भोजन की सुगंध मिलती, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट खाना है, इसको बड़े चाव से खाएंगे। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो नाक से उसकी सुगंध मिलती है तो लगता है बहुत अच्छा भोजन है। उसके बाद हम लोग हाथों से क्या, पहले आंख से उसको देखते हैं कि यार अच्छा है, आंख से भोजन देखते हैं और हाथ से खाते हैं। तो जब भोजन हमारे मुंह में जाता है तो दांत उसको पीसता है,
लार उसको गीला कर देती है, पचाने का प्रयास करती है, पाचन क्रिया शुरू करती है और जीभ उसका स्वाद यानी टेस्ट हमको बताता रहता है। उसके बाद भोजन क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से फूड पाइप के थ्रू हमारे आमाशय में पहुंचता है, जहां पर उसका पाचन क्रिया, उसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है या अच्छे से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। बहुत से प्रोसेस होते रहते हैं। यानी देखिए, इस पूरी क्रियाकलाप में कितने सारे अंग आपस में मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और अगर इसमें से कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, मान लीजिए अभी दांत भोजन को ना पीसे, तब क्या होगा? यानी अगर कोई भी अंग इसमें काम बंद कर देगा तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना आप लोग, क्रियाकलाप क्या होगा, रुक जाएगा, क्रियाकलाप असंभव होगा, और जब क्रियाकलाप असंभव होगा तो समन्वय नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना, जब हमारे सभी अंग, जब शरीर के सभी अंग तंत्र क्रमबद्ध तरीके से मिल करके एक साथ ऐसा कार्य करते हैं, सफलतापूर्वक कोई वांछित कार्य करते हैं, तो इस क्रिया को हम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर नियंत्रण की। हमने किसकी बात की है, हमने बात की अब तक समन्वय की, अब हम बात करते हैं यहां पर नियंत्रण की, कि नियंत्रण क्या होता है। देखिए, हमारे सभी अंग तंत्र आपस में समन्वय स्थापित करके, कोई भी क्रियाकलाप सफलतापूर्वक तब कर सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर का वातावरण खुद को उसके अनुकूल बना ले। जैसे जब हम धूप में निकलते हैं तो हमको पसीना होता है, और जब पसीने का वाष्पन होता है तो हमको ठंडक लगती है। लेकिन यह भी सही है कि पसीना निकलने से पानी की कमी होती है तो हमको प्यास लगती है, और जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, प्यास हमारी बुझ जाती है। सोचिए, अगर अंदर से हमको प्यास का एहसास नहीं होता तो फिर क्या होता? यानी हम बाहर की क्रियाकलापों को उचित ढंग से, अच्छी ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से तब कर सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर का वातावरण इसके लिए अनुकूल हो। तो देखिए, तुरंत हमको मैसेज मिल गया कि यार प्यास लगी है, तो हमने पानी पी लिया, यानी अंदर का तालमेल और बाहर का तालमेल बन गया। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, दोस्तों, तो क्या होता है, पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने से आरबीसी घटने लगती है, पहाड़ों पर जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन घटने लगती है। जब ऑक्सीजन घटने लगती है तो बॉडी में एक मैसेज आता है कि ऑक्सीजन घट रही है, यानी वहां पर और भी आरबीसी की आवश्यकता है, जल्दी जल्दी आरबीसी क्या होता है, बनने लगता है। मनुष्य के अंदर एक गुण होता है कि वह बाहर के क्रियाकलापों के अनुरूप अपने अंदर के वातावरण को ढाल लेता है, और मनुष्य के इस क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस होता है मानव का यह गुण। तो आज देखिए, हमको तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, और समन्वय और नियंत्रण के लिए शरीर में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है दोस्तों नर्वस सिस्टम होती है जो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कोऑर्डिनेशन एवं कंट्रोलिंग स्थापित करती है। और दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो इंडोक्राइन सिस्टम से होता है, और इंडोक्राइन सिस्टम से कैसे होता है, इसमें कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इन सब क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। और देखिए, अगर आगे बात करें तो इन दोनों को मिलाकर के एक अध्ययन होता है, इन दोनों को मिलाकर के विज्ञान की एक अलग से शाखा ही बना दी गई है, जिसमें हम न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, यानी न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, हम पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग को यहां पर हम पढ़ते हैं। चलिए, आज हमको स्टार्ट करना है नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, देखिए, अगर तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों तंत्रिका तंत्र करता क्या है, पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है। देखिए, आप कह सकते हैं कि शरीर में समन्वय या शरीर में या हम कहेंगे शरीर में
स्मृति, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, सोचने समझने समन्वय व, तो शरीर में स्मृति, सोचने समझने समन्वय व नियंत्रण करने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं, करने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं या करने वाला तंत्र, ठीक है ना, करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। दोस्तों एक्चुअली जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं हैं जो पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, और ये जाल की तरह फैल के हमारे प्रत्येक अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग करती हैं। यानी जो तंत्रिका तंत्र 100 अरब तंत्रिका तंत्र है, 100 अरब न्यूरॉन है, 100 अरब तंत्रिकाएं हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। देखिए अगर हम बात करें समन्वय और नियंत्रण की, तो यहां पर एक जीव था अमीबा। दोस्तों अमीबा ऐसा जीव था जिनमें समन्वय और नियंत्रण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते थे। ये दोस्तों क्या है, एक कोशिकी जीव था, प्रोटोजोआ संघ का, जो इसके कोशिकांग होते हैं। अमीबा के जो कोशिकांग होते हैं वह स्वतः ही क्या करते हैं, स्वतः ही समन्वय स्थापित कर लेते थे। तो एक ऐसा जीव जिसका किसी से कोई तात्पर्य, किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है, ना तो इसमें कोई अंग कार्य करने वाले होते, कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वही सब काम कर लेते हैं। जो इसमें कोशिकांग होते हैं वही भोजन, वही पाचन, ठीक है, वही श्वसन सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे, तो तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ सबसे पहले किसमें हुआ था, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत सबसे पहले किसमें हुई थी, तो देखिए सिलेंट्रेटा प्राणी का एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। सबसे पहले हाइड्रा में ही तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई थी। यानी हाइड्रा में देखा गया कि इसमें कुछ ऐसे अंग हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और अलग अलग कार्य करने के साथ साथ वह अन्य अंगों से तालमेल भी स्थापित कर ले रहे हैं। यानी इसमें देखा गया कि कुछ ऐसे इसमें अंग हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और अलग अलग कार्य करने के साथ साथ आपस में तालमेल भी स्थापित कर रहे हैं। तो हाइड्रा में सबसे पहले नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र देखा गया था, और यह एक प्रोटोजोआ का प्राणी है। और ध्यान रहे हाइड्रा के अंदर बहुत ही सरल तंत्रिकाएं देखी गई थी। और ध्यान रहे दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई हम किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन को कहते हैं। और न्यूरॉन क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है, जो नॉन डिविजिबल होती है। क्या होती है, नॉन डिविजिबल होती है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी हुई ऐसी कोशिका जिसका विभाजन कभी नहीं हो पाता है। तो इस बात का ध्यान देना टोटली फैक्ट है कि सबसे पहले किसमें प्रारंभ हुआ था, नर्वस सिस्टम का आप बताएंगे हाइड्रा में, और किसमें समन्वय करने वाले अंग नहीं होते, तो ये अमीबा में नहीं होते। अगर हम यहां पर न्यूरॉन के बारे में बात करें आपसे, देखिए अगर दोस्तों हम न्यूरॉन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वह हमारे पूरे शरीर में पतले पतले धागे नुमा फैली हुई रचनाएं होती हैं, जो वातावरण में हो रहे किसी भी परिवर्तन की सूचना विभिन्न संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेग के रूप में पूरे शरीर में पहुंचा देती है। यहां जो न्यूरॉन होते हैं उनके संचरण की गति कितनी होती है, 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड, यानी बहुत तेज वो गति करते हैं। सेकंडों में भी क्या होता है, सोचते हैं तुरंत काम हो जाता है। देखिए अगर हम न्यूरॉन की दोस्तों बात करते हैं, तो ये पहले बने कैसे हैं, ध्यान देना ये बने होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म के। कैसे बनते हैं, ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से बने होते हैं, और भ्रूणीय एक्टोडर्म जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता। यानी ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं इनका विभाजन नहीं होता, नॉन डिविजिबल सेल हैं, विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन की दोस्तों बात करें, तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई भी है, कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई, या तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई होती है,
रचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। अगर बात करें इनकी संख्या कितनी हमारी बॉडी में है, तो संख्या की बात करते हैं तो कुल लगभग 100 अरब, 1 बिलियन, यानी कुल लगभग 100 अरब न्यूरॉन हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। और हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार क्या है? न्यूरॉन होता है। तो सबसे लंबी कोशिका होती है। पूछेगा क्वेश्चन लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताओगे? सॉरी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर सबसे लंबी कोशिका क्या है? यही होती है, 90 सेंटीमीटर से लगभग 100 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए कुछ पॉइंट आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग भी कंफ्यूज करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, और वहां पे आंसर मिल जाता है कभी कभी, क्या कभी कभी आंसर मिलता है? न्यूरॉन। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी दोस्तों, आपको ध्यान यह देना होगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? फीमेल का ओवम होता है, यानी अंडाणु होता है, और सबसे यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये स्पर्म होता है, शुक्राणु, और लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी दोस्तों वो क्या होता है? ओवम होता है, अंडाणु होता है फीमेल का, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये क्या है? न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होती है। और इतने पॉइंट दोस्तों आप लोग देख लिया। और हाँ, सर्वाधिक न्यूरॉन कहां पर स्थित रहते हैं? पूरे बॉडी में अगर 100 अरब न्यूरॉन हैं, तो सर्वाधिक न्यूरॉन कहां रहते हैं? सर्वाधिक न्यूरॉन कहां स्थित रहते हैं? तो ध्यान देना, हमारे ब्रेन में। क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेन क्या है? पूरा मास्टरमाइंड है, एक 1400 ग्राम का एक मस्तिष्क पूरे भारी भरकम शरीर को नियंत्रित कर लेता है। और ध्यान रहे, और सबसे अधिक न्यूरॉन, सबसे अधिक प्रोटेक्शन वहीं पर होती, क्योंकि वो राजा है, सबको आदेश देता है। इसीलिए सबसे अधिक सिपाही कहां होते हैं? न्यूरॉन के पास होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, तंत्रिका तंत्र पतले पतले धागे नुमा, यानी बहुत से असंख्य न्यूरॉन से बनी हुई रचनाएं हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और ये बाहर हो रहे किसी भी परिवर्तन की सूचना विद्युत आवेग के रूप में प्राप्त करके, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में प्राप्त करके तुरंत प्रसारित कर देती है, पूरे शरीर में क्या करती है? प्रसारित करती है। और हाँ, यहां पर एक पॉइंट और, जो आवेग संचरण होता है हमारे शरीर में, आवेग संचरण जो ये होता है, यह 130 से लेकर के 150 मीटर पर सेकंड, यानी न्यूरॉन जो चलता है वह इतने वेग से चलता है, जो न्यूरॉन की गति होती है वह इतनी होती है। आइए जरा हम न्यूरॉन के बारे में बात करें दोस्तों, कि न्यूरॉन सेल कैसी होती है, ठीक है ना। और हाँ, बस इतना ध्यान देना, यह शरीर में होने वाली सभी गतिविधि के लिए क्या है? जिम्मेदार है। दोस्तों यहां बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में, तो यहां देखिए आपके सामने न्यूरॉन सेल एक मैंने बनाई हुई है पहले से, ताकि समय बचे आप सभी का। देखिए न्यूरॉन सेल है, इसके विभिन्न अंगों के बारे में बात करेंगे, और बात करते हुए इसके फंक्शन को समझेंगे कि कैसे यह फंक्शन करता है। ये एक प्रकार की कोशिका है, तो यहां जो भाग, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, इसका एक भाग होता है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, यहां पर आप केंद्रक को देख सकते हो, यहां पर न्यूक्लियस है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उन द्रव में क्या होता है? सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। ध्यान देना, ये सहायता करता है आवेग के संचरण में। फिर देखिए दोस्तों यहां देखिए, और इस सेल बॉडी वाले भाग को हम साइटोन कहते हैं। बेसिकली साइटोन का यही काम होता है कि जो आवेग आते हैं इस साइटोन में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। देखिए यहां दोस्तों जो मोटी रचना दिख रही है आपको, इस रचना को हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं, और प्रायः डेंड्रॉन को हम रिसीवर भी कहते हैं। डेंड्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं, क्योंकि यह आवेग को, यह सूचना को क्या करता है? रिसीव करता है, इसको हम रिसीवर कहते हैं। और जो डेंड्रॉन होता है परिवर्धित होकर के पतली पतली रचनाओं का निर्माण करता है, और इन रचनाओं को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स हो गया ये, ठीक है ना। ये क्या करता है? डेंड्राइट का काम होता है कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के दोस्तों जोड़ना, ठीक है ना। यानी बिल्कुल यहां बताऊंगा अभी आगे कैसे काम करता है, ठीक है ना। और यहां से लेकर के पूरी बॉडी जो ये होती है, इस पूरी बॉडी को हम एक्सॉन कहते हैं। और दोस्तों एक्सॉन क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच मैसेंजर होता है। यहां देखिए स्वान सेल है, और यहां जो गैप दिख रहा है आप सभी को, यहां गैप, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर,
और इस पॉइंट को हम कहते हैं माइलिन सीथ, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और यहां देखिए जो भाग है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक लोब कहते हैं, इस भाग को सिनेप्टिक लोब कहा जाता है, सिनेप्टिक लोब कहा जाता है। और यहां जो भाग होता है इसको हम सिनेप्स कहते हैं, बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। इतने पूरे पॉइंट यहां पर हैं। चलिए आइए समझते हैं वन बाय वन कौन क्या करता है। दोस्तों यहां जो डेंड्रॉन होता है, इस डेंड्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। दरअसल क्या है कि हमारे शरीर में कुछ सेंसरी ऑर्गन है, जैसे क्या है, आंख है, कान है, कान के बाद दोस्तों क्या है, आंख है, आंख है, फिर क्या है, त्वचा है, फिर दोस्तों क्या है, नाक है, फिर क्या है, जीभ है। तो हमारे शरीर में कुल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, कान सुनता है और आंख वस्तुओं को देखती है, त्वचा महसूस करती है, नाक वस्तुओं के सुगंध लेती है और जीभ उसका जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्वाद बतलाती है। तो यहां पर ये सभी संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है। अगर कोई भी संवेदना इनको प्राप्त होगी तो इन सब उन संवेदनाओं को, उन इंफॉर्मेशन को डेंड्रॉन तुरंत क्या करेगा, इनसे ग्रहण करेगा। और जब डेंड्रॉन इनसे सूचनाओं को ग्रहण करेगा तो किस रूप में ग्रहण करेगा, वह ग्रहण करेगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है दोस्तों। यानी यह क्या करता है, यह सूचनाओं को ग्रहण करता है, इंफॉर्मेशन करता है। इनकी संख्या लगभग 10,000 है, तो 10,000 न्यूरॉन क्या करते हैं, यह संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, सेंसेशन को प्राप्त करते हैं। और जब ये प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और फिर सूचनाएं और इंफॉर्मेशन कहां पहुंचते हैं, साइटोन में पहुंचते हैं, ये साइटोन है, ठीक है। और साइटोन में कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, ये साइटोन क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को जो कैसे आए थे, जो केमिकल एनर्जी के रूप में आए थे, यह उन सूचनाओं को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में चेंज कर देता है। और फिर वह सूचनाएं देखिए एक्सॉन से होते होते कहां पहुंचती हैं, दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाती हैं। इसलिए एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक का कार्य करने वाला क्या होता है दोस्तों, वह होता है एक्सॉन। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश पहुंचाने वाला क्या है, एक्सॉन है। और डेंड्रॉन क्या होता है, डेंड्रॉन सूचनाओं को रिसीव करता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में सभी संवेदी अंगों से, सेंसरी ऑर्गन से। और फिर देखिए ये पूरा किसका भाग है, ये पूरा एक्सॉन का ही भाग है, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली में जो टर्मिनल होता है ये आगे किसी अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। यहां देखिए क्या है, सिनेप्टिक लोब है और यहां कुछ लिक्विड होते हैं और इस भाग को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जो सिनेप्स है यह भी एक्सॉन का ही भाग है। देखिए सिनेप्स करता क्या है दोस्तों, सिनेप्स का कार्य यह होता है कि वांछित सूचनाओं को या आवश्यक इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन अब तक यहां से आ रही है, उन इंफॉर्मेशन को निकटवर्ती न्यूरॉन तक पहुंचाना, ताकि निकटवर्ती न्यूरॉन उस सूचना को अगले न्यूरॉन तक पहुंचा दे। कैसे होता है देखिए, यहां सिनेप्स है, सिनेप्स के बीच दोस्तों फिर क्या होता है, यहां पर फिर एक दूसरा न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब सूचनाएं कहां पहुंचती हैं, सिनेप्स में पहुंचती हैं, वह सूचनाएं वापस क्या होती हैं, वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती हैं और वापस उन सूचनाओं को यह जो सिनेप्स होता है क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। या हम कह सकते हैं कि जो यहां पर सिनेप्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है और आवश्यक सूचनाओं को निकटवर्ती न्यूरॉन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और दोस्तों एक्सॉन भी क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है अगला न्यूरॉन, फिर अगला न्यूरॉन, फिर अगला न्यूरॉन। मान लीजिए हमको मच्छर ने काटा, क्लियर। तो जैसे मच्छर ने काटा उसका जो अनुभव हमको होगा, यानी स्टिमुलस होगा, यहां पर तुरंत उसको त्वचा महसूस करेगी, त्वचा महसूस करेगी तो त्वचा से तुरंत क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन दोस्तों क्या करेगा, तुरंत उस अनुभव को तुरंत महसूस करेगा, यानी कि
त्वचा से वह मैसेज किसको मिला? इस न्यूरॉन को मिला, और किस भाग को? डेंड्राइट्स को। उसके बाद फिर कहा गया अगले न्यूरॉन में, फिर अगले न्यूरॉन में, फिर अगले न्यूरॉन में, यानी पूरा कड़ी है न्यूरॉन की। तो संदेश इस यहां से लेकर के न्यूरॉन से यहां से पूरा ब्रेन तक आता है, ठीक है। संदेश पहले कहां आएगा? न्यूरॉन से आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से मैसेज कहां आता है? ब्रेन में। और फिर ब्रेन क्या करेगा? उस मैसेज के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद उसको आदेशित करेगा। तो फिर से एक होता है मोटार न्यूरॉन, उस मोटार न्यूरॉन को हमारा ब्रेन आदेशित करता है। तो वह मोटार न्यूरॉन कहां पहुंचता है? यह पहुंचता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से फिर मांसपेशी में, और मांसपेशी में पहुंचने के बाद फिर मांसपेशियां रिस्पॉन्ड करेंगी और इसको हम मार देंगे, ठीक है ना। तो यहां जो मैसेज आया यहां से ब्रेन तक, वो आया है सेंसरी न्यूरॉन से। कैसे आया? संवेदी न्यूरॉन से आया है। फिर जब ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को समझा, एनालिसिस किया और आदेशित किया, तो जो आदेश होता है वो आता है मोटार न्यूरॉन से। तब जाकर के मोटार न्यूरॉन के कारण ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो न्यूरॉन के इतने सारे भाग हो गए, इनके कार्य आप लोगों ने समझ लिया। यहां देखिए दोस्तों, न्यूरॉन जो होता है वह कुल कितने प्रकार का होता है? कुल तीन प्रकार का होता है। पहले है सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं रिसीवर, या इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। इसको रिसीवर ना बोल करके आप इसको रिसेप्टर बोल सकते हैं, यानी सूचनाओं को ग्रहण करने वाला। और ये क्या करता है? ये संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये क्या करता है? ये संवेदी अंगों से, तो संवेदी अंगों से संवेदना या सूचना, यह संवेदी अंगों से सूचनाएं ग्रहण करता है, और सूचना ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? सूचना ग्रहण करेगा, और सूचना ग्रहण करने के बाद उस सूचना को कहां पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, अर्थात मेरु रज्जु में, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और फिर सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंचती है? सूचनाएं पहुंचती है मस्तिष्क में, यानी ब्रेन में आती है। और ब्रेन में आने के बाद उन सूचनाओं के बारे में ब्रेन क्या करता है दोस्तों? ब्रेन करता है एनालिसिस, ठीक है ना। यानी वह जो ब्रेन हमारा होता है उन सूचनाओं के बारे में सोचता है, उनको एनालाइज करता है, उनको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद ठीक है, तो कार्य शुरू होता है किसका? चालन तंत्रिका का। यानी यहां तक कार्य हो गया, यानी हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा ब्रेन तक पहुंचाया? तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। अब जब ब्रेन ने उस मैसेज को डिकोड कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, तो अब देखिए क्या होता है। अब हमारा ब्रेन इस न्यूरॉन को आदेश देगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं इफेक्टर, यानी यह वह न्यूरॉन है जो इफेक्ट डालता है, जो क्रियाकलाप शुरू करता है, ठीक है ना। तो इफेक्टर यानी यह न्यूरॉन दोस्तों क्या होता है? जो यह मोटार न्यूरॉन होगा, यह कहां आएगा? यह ब्रेन से, ब्रेन से कहां पहुंचेगा? यानी मस्तिष्क के से, मस्तिष्क से पहुंचता है हमारे मेरुरज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। और स्पाइनल कॉर्ड से दोस्तों फिर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड आदेशित करता है किसको? मांसपेशियों को। फिर आता है मांसपेशियों में, यानी मसल्स में आता है, और फिर जो मसल्स होती हैं, मसल्स क्या करती है? रिस्पॉन्स करती हैं, अनुक्रिया करती हैं, रिस्पॉन्ड करती है दोस्तों। और ध्यान देना, इस पूरी क्रिया को कौन करता है? चालन न्यूरॉन, यानी जो हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, रिस्पॉन्ड दिया है, वो चालन न्यूरॉन के द्वारा दिया हुआ है। और यहां एक न्यूरॉन और है, मध्यस्थ न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन के बीच सेतु का काम करने वाला, इन दोनों न्यूरॉन को जोड़ने वाला, इन दोनों न्यूरॉन को मिलाने वाला एक न्यूरॉन और होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मध्यस्थ न्यूरॉन। ध्यान देना, संवेदी व चालन न्यूरॉन, चालन तंत्रिका में संबंध बनाता है। ध्यान देना, तो दोनों न्यूरॉन के बीच क्या होता है? यह संबंध बनाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ न्यूरॉन कहते हैं। यानी यह होता कहां पर है? यह होता है हमारे ब्रेन में होता है। कहां पर होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क में और
मेरु रज्जु में होता है और यह कहीं नहीं होता है, यह केवल हमारे ब्रेन में होता है और स्पाइनल कार्ड में होता है। क्यों? क्योंकि मोटार न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का टर्मिनल कहां होता है, इन दोनों का मिलना कहां होता है, ये दोनों का जंक्शन कहां होता है, वह होता है दोस्तों या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, या तो मस्तिष्क या फिर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और इसीलिए इसको हम कहते हैं मोटार और सेंसरी के बीच का सेतु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पॉइंट और आगे है। अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां देखिए कैसे कार्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी सूचना, मान लीजिए यहां पर आग जली हुई है, यहां देखिए आग जल रही है, और जब इस आग की संवेदना हमको प्राप्त हुई तो इसकी जब इसका उद्दीपन हमको मिला तो इसके उद्दीपन को किसने ग्रहण किया, संवेदी अंग, और कौन से अंग ने, त्वचा ने ग्रहण किया। जब त्वचा उसको ग्रहण करती है तो तुरंत देखिए त्वचा से संवेदी तंत्रिकाएं, ठीक है ना, ये तुरंत इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेती हैं, और संवेदी तंत्रिकाएं सेंसरी न्यूरॉन उन संदेशों को कहां भेजते, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वह संदेश स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंचता है, ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, उस संदेश को पढ़ता है, उसको डिकोड करता है और यह सोचता है कि क्या किया जाए, अब इस क्रिया के अगेंस्ट कौन सा मैं एक्शन दूं। तो जो भी एक्शन यह चुनता है तुरंत यह भेजता है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और फिर दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, चालन तंत्रिकाएं होती हैं, यह तंत्रिकाएं तुरंत मैसेज देती है किसको, मांसपेशियों की को, कि चलो भाई तुम्हारा समय आ गया है, तुमको काम करना शुरू करना है, और तुरंत मांसपेशियां काम करना शुरू कर देती हैं जिससे कि रिस्पॉन्स हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से काम कार्य करता है आपका न्यूरॉन। क्लियर? तो दोस्तों आगे देखिए, न्यूरॉन आपने समझ लिया है तो बहुत से न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, और तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र हमारा कुल तीन प्रकार का होता है, तो हमें सबसे पहले यही समझना होगा। देखिए तो तंत्रिका तंत्र कौन कौन सा होता है, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों इसको हम बोलते हैं, देखिए भाई पहली बात, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, मध्य, और मध्य में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वह कहां होती है, वह मध्य में होती है, तो इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं या इसको CNS कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खुद पर नियंत्रण करने के साथ साथ पूरी पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, यानी यह खुद को नियंत्रित करने के साथ साथ पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसके प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं, जितनी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण कहां होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग क्या है, ब्रेन दोस्तों है, पहला भाग ब्रेन है, और दूसरा भाग क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, मेरु रज्जु, देखिए मेरु का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरु का मतलब होता है मरु, ठीक है ना, मेरु का मतलब क्या होता है, मेरु का मतलब होता है मरु, या इसको हम कह सकते हैं, इसको दोस्तों हम कहते हैं रीढ़, क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं, और रज्जु का मतलब क्या होता है, रस्सी, क्या होता है, रस्सी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलन है, कशेरुक दंड है, उसी कशेरुक दंड में बिल्कुल पतले पतले महीन महीन धागों के नुमा रचनाएं होती हैं, तंत्रिकाएं फैली होती, तंत्रिकाओं का जाल होता है, उन तंत्रिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और हमारे पूरे ब्रेन दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे पूरे ब्रेन में असंख्य तंत्रिकाओं का जाल है, जो सबसे जटिल क्या है, मानव ब्रेन है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दोस्तों वो क्या करता है, देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन क्या करेगा दोस्तों, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की,
तो यह दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं या हमारे हाथ और पैरों की क्रियाएं होती हैं, यह उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे आप सभी से, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप दोस्तों देखिए, ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, आगे है दूसरा तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं नंबर सेकेंड परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र जो मिलकर बना होता है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से, और इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, इसको हम पीएनएस कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अतिरिक्त जो भी भाग बचता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अतिरिक्त दोस्तों जो भाग बचता है उन भागों पर किसका नियंत्रण होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। और ध्यान रहे इसके भी दो भाग हैं, और इसके दो भाग कौन कौन से, इसमें दो तंत्रिकाएं होती हैं। पहली होती है क्रेनियल नर्व जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कपाली तंत्रिका। और दोस्तों ध्यान देना इसमें कुल होती हैं लगभग होती हैं 12 जोड़ी में कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। और ये कपाली तंत्रिकाएं क्या करती हैं, 12 जोड़ी 12 पेयर में क्रेनियल नर्व होती हैं, और ये तंत्रिकाएं चेहरे के पूरे भाग को, ये चेहरे के पूरे भाग को कंट्रोल करती हैं। यानी ये जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क के टच में रहती हैं, हमारे मस्तिष्क से अटैच करती हैं, जो हमारी आंखों की संवेदना होती है, हमारी नाक की संवेदना होती है, हमारे जीभ की संवेदना होती है, इन सभी संवेदनाओं को कहां पहुंचाती है, यह पहुंचाती है ब्रेन तक। ध्यान देना इनको क्रेनियल नर्व कहते हैं, 12 जोड़ी में होती है, और ये हमारे पूरे चेहरे में होती हैं, जो चेहरे की संवेदनाएं होती हैं या उसको कहां पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इसी में होता है स्पाइनल नर्व। अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करें, जो स्पाइनल नर्व होता है इनकी संख्या कितनी होती, कई बार पूछा गया है, तो 31 पेयर में होती है, ठीक है ना। 31 पेयर में क्या होती है, स्पाइनल नर्व होती है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा पूरा ब्रेन है, हमारा पूरा ब्रेन होता है ना, यहां देखिए आप लोग देखिए, जो हमारा दोस्तों ब्रेन होता है, तो हमारा जो ब्रेन है तो अलग हो गया, अब ये क्या स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ये देखिए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारे स्पाइनल नर्व जो होती है वह कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 31 जोड़ी, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, और इनके जुड़ने के साथ साथ जो हमारा हाथ और पैर है उनका नियंत्रण कहां होता है, उनका नियंत्रण होता है स्पाइनल नर्व से। यानी अगर आपके हाथ में कुछ चुभता है तो वह स्पाइनल नर्व के द्वारा ही कहां पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा ब्रेन में। अगर मान लीजिए पैर में कुछ कांटा चुभ गया है तो वह सूचना कैसे आएगी, स्पाइनल नर्व के द्वारा दोस्तों आएगी और ब्रेन में पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और थर्ड देखिए क्या होता है, थर्ड जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है उसको हम कहते हैं, जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए स्वायत्त का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वायत्त का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र जो स्वतंत्र रहे। लेकिन ध्यान देना यह तंत्रिका तंत्र स्वतंत्र तो रहता है लेकिन स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाता, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी स्वतंत्र तो है लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता, देखते हैं कैसे नहीं कर पाता। दोस्तों होता यह है कि ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो दो प्रकार का होता है, एक इसमें होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और आप सबको पता होगा दोस्तों जो ये तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या करता है, कुछ हार्मोन की सहायता से अपने कार्य को सुगमता से संपन्न करता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है, यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के साथ साथ हार्मोन का भी नियंत्रण कर देती है। और इसीलिए जो यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह स्वतंत्र रूप से कार्य तो करता है लेकिन स्वतंत्र होता नहीं है, इस पर भी हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंत्र कुल आपका तीन प्रकार का होता है, जो सबसे आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। यहां दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी यानी यहां जो अनुकंपी होता है वह दुख भय और दर्द के समय निकलता है, ठीक है ना, ये दर्द की संवेदना को क्या करता है, समझता है। और दोस्तों यहां जो होता है परानुकंपी, ये सामान्य अवस्था में जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनको नियंत्रित करता है। जो अनुकंपी होता है वह डर भय या दुख के समय जो क्रियाकलाप होते हैं उनके दौरान उनका नियंत्रण ये करता है। तो चलिए आगे की क्लास हम शुरू करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर दो भाग है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक आपका ब्रेन है, दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो आज तक इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन का डेवलपमेंट किस उम्र में होता है। आपने पढ़ा होगा या शायद ना भी पढ़ा होगा, जो हमारे मस्तिष्क का विकास है वह किस उम्र में 100% तक हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम लोग अपने मस्तिष्क का केवल 2% इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने मस्तिष्क का 10-20% इस्तेमाल कर लें तो शायद हम लोग उड़ने लगे। या देखिए हमारे मस्तिष्क के अंदर वाले भाग में, जैसे देखिए यहां पर ब्रेन आपका है, ये ब्रेन है, इस ब्रेन के जो अंदर वाला भाग है जहां पर चर्बी है वहां कभी दर्द नहीं होता, वहां कभी भी कोई पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के अंदर वाले भाग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, यह आपको समझना पड़ेगा। आखिर हमारे तंत्रिका तंत्र में ऐसा कौन सा द्रव है जो हमारे नर्व, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को आघात से बचाता है। सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, किस मस्तिष्क को हम कहते हैं मस्तिष्क का मस्तिष्क, किसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, किसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, किसको हम कहते हैं छोटा मस्तिष्क, ये सारी बातें हम लोग बस आगे क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट्स बनाते रहिए आप लोग, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, जय हिंद।